हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तस्नीम और द कंप्लीट वुमेन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रही हूं वो है ये रोज डायमंड यूएसबी चार्जिंग टच लैंप। ये मैन्युअली भी चल सकता है और ये रिमोट से भी चलता है। तो चलिए मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी भी देती हूँ और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। तो ये है उसका मैनुअल। इसके अंदर ये लैम्प कैसे जलता है और इसके कौन कौन से मोड्स है उसकी जानकारी दी गई है। और ये है रोज डायमंड यूएसबी चार्जिंग टच लैम्प। ये एटमोस्फियर मेकिंग लैम्प है। ये हमारे लिविंग रूम के लिए भी बहुत ही अच्छा है, स्टडी रूम के लिए, बेडरूम के लिए, यानी कि हर जगह ये एटमोस्फियर को बनाता है। ये हम फेस्टिवल में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हमारे घर में ओकेशन है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी घर की शोभा को बढ़ाता है और ये हमारे घर के डेकोरेशन में चार चांद लगा देता है। और ये इसके साथ उसका यूएसबी केबल है, तो हमें इस तरह से चार्ज करने के लिए इसे इसमें कनेक्ट करना है और इसे हमें कोई भी हमारे मोबाइल के डॉक में इसे फिक्स करना है और फिर हम इसे चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे मोबाइल के डॉक में हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये जो पिन है वो यूएसबी टाइप सी पिन है। और अगर आपके फोन के चार्जर की पिन यूएसबी टाइप सी पिन है तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसका रिमोट है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, ये फुल चार्ज होने के बाद ये एटलीस्ट 12 घंटे चलता है और आप इसे चार्जिंग पॉइंट पे लगा कर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैन्युअली बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस रिमोट का यूज बताऊंगी। तो हमें इस तरह से इसे मैन्युअली टैप करना है। तो अभी आप देखेंगे कि रेड लाइट जल रही है, तो ये रेड पे अभी जलेंगी। जब हम इसे वापस टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी ये ग्रीन लाइट जल रही है। तो जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो ये ग्रीन पे ही रहेंगे। अभी हमें समझो ब्लू चाहिए तो ये ब्लू, ये वाइट, ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये लाइट ऑरेंज, ये ग्रीन, ये डार्क ब्लू, ये डार्क येलो, ये लाइट ब्लू, ये वॉयलेट, ये येलो, ये ब्लू और ये पर्पलिश पिंक। तो ये मैंने आपको सारे कलर्स बता दिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके लाइटनिंग मोड की जानकारी देती हूँ। इसके 16 कलर्स के बाद जब हम इसे टैप करेंगे तो उसका जो फर्स्ट मोड है वो फ्लैशिंग मोड है। ये देखिए, मैं अब इसे टैप करती हूँ, ये भी स्टार्ट हो गया इसका फ्लैशिंग मोड। तो आप देखेंगे ये बारी बारी सब कलर्स जो है वो चेंज होंगे। तो ये था हमारा फ्लैशिंग मोड। अभी मैं आपको स्ट्रोब बताती हूँ। तो स्ट्रोब के लिए भी क्या करना है, हमें इसे टैप करना है। अभी ये स्ट्रोब मोड स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर ये 3 कलर चेंज करेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंटिन्यूसली ये कलर्स चेंज करेगा। अभी मैं आपको इसके फेड मोड बताती हूँ। आप इस हमें टैप करना है, तभी ये स्टार्ट हो गया इसका फेड मोड। तो आप देखेंगे ये फेड होके कलर को चेंज करेगा, मीन्स बहुत ही स्लोली स्लोली ये कलर को चेंज करेगा। ये देखिए, ये फेड हुआ, अभी ये येलो हो गया, अभी ये वापस फेड होके व्हाइट हो गया। तो इस तरह से ये फेड मोड पे कलर्स चेंज होते हैं। अभी मैं आपको इसका स्मूथ मोड बताती हूँ। ये देखिए, ये इसका स्मूथ मोड है। इसके अंदर 2 ही कलर्स चेंज होते हैं, एक है व्हाइट और ये ब्लू। आप देखेंगे अभी ये व्हाइट हो गया, अभी ये ब्लू हो गया। आप देखेंगे पैटर्न्स इसके कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे टेबल पे रखिए,
या कोई आपकी वॉल होल लाइट कलर की, वहां पे आप इसे रखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स, जब हमें इसे मैन्युअली बंद करना है तो इस तरह से हमें इसे टच करना है, तो ये बंद हो जाएगा। तो मैं अभी आपको रिमोट का यूज बताती हूँ, और ये रिमोट का यूज जो है मैं आपको लाइट ऑफ करके बताती हूँ, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये अंधेरे में कितना ब्यूटीफुल दिखता है। ये देखिए, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है। अभी मैं आपको इस रिमोट को यूज करना बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं पहले इसको ऑफ करती हूँ। ये देखिए, ये लैंप जो है ऑफ हो गया। अभी मैं इसको ऑन करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये ऑन का बटन है, इससे ये ऑन होता है। जैसे हमने मैनुअल के अंदर टैप किया था तो ये ऑन हो गया था, वैसे ये रिमोट से भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर इसके ब्राइटनेस के लिए बटन दिए गए हैं। हमें लो ब्राइटनेस रखनी है तो ये बटन है, और हमें ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो ये बटन है। तभी मैं ब्राइटनेस को लो कर रही हूँ। ये देखिए, ये ब्राइटनेस लो हो गई। अभी मैं ब्राइटनेस को बढ़ा रही हूँ, तो बढ़ाने के लिए हमें ये बटन यूज करना है। देखिए, अभी ये फुल ब्राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे थे ब्राइटनेस के मोड। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको मैन्युअली बताया था, रेड हमें अगर रेड रखना है तो वो रेड ही कलर होगा, हमें अगर ग्रीन कलर रखना है तो वो ग्रीन ही रहेगा, तो उस तरह से ये बटन्स है। इसके 16 कलर्स है, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, और यहाँ तक ये पूरे 16 कलर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, देखिए रेड, और ये ग्रीन, ये ब्लू, ये व्हाइट। इसी तरह से अभी मैं आपको सारे कलर्स चेंज करके बता देती हूँ। ऑरेंज, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। ये देखिए, बारी बारी से मैं हर कलर को चेंज कर रही हूँ। हमें जो चाहे वो कलर हम रख सकते हैं, तो फिर वो यही कलर देगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये भी कलर। सारे कलर इसके बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, तो हमें जो चूज करना हो वो हम कलर रख सकते हैं। और अभी रिमोट के अंदर मैं आपको इसके मोड के बारे में बता दूं। देखिए, जैसे फ्लैश मोड मैंने आपको मैन्युअली बताया था, वैसे ये फ्लैश मोड है। अभी मैं इस फ्लैश मोड को प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए, ये अभी फ्लैश मोड स्टार्ट हो गया। जो मैंने आपको मैन्युअल के अंदर जानकारी दी थी फ्लैश मोड की, वही मोड है ये। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बारी बारी कलर्स चेंज करेगा। ये देखिए इसका स्ट्रोब मोड, ये देखिए, ये भी तीन ही कलर चेंज करेगा बारी बारी। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और ये है इसका फेड मोड, यहाँ पर इसका बटन है। ये देखिए, देखिए ये फेड होगा और फिर दूसरा कलर चेंज होगा। ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और ये है इसका स्मूथ मोड, हम इसे प्रेस करते हैं। ये देखिए, अभी ये दो ही कलर चेंज करेगा, व्हाइट एंड ब्लू। अभी मैं लाइट्स को ऑन कर देती हूँ। तो अभी मैं आपको इस रिमोट के सेल के बारे में बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से ये निकलता है सेल। जब भी आपका सेल ख़त्म हो जाएगा तो आपको इस तरह से यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, और फिर हमें इस तरह से इसे फिक्स कर देना है। ठीक है, जब भी आपके रिमोट का सेल ख़त्म होगा तो आपको चेंज कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इसको चार्ज कर रही हूँ।
देखिए चार्ज करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जल रही है। जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट जो है वो बंद हो जाएंगी, मीन्स कि आपका लैम्प जो है वो अच्छी तरह से चार्ज हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक एटमोसफियर मेकिंग लैम्प है, ये हमारे घर के डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये टेबल लैम्प की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं नाइट में, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। और फ्रेंड्स अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आपके प्रेशियस कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा, और इस लैम्प के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।